हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की जो हमारी क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास में आप बने रहिएगा और आज आप कैसा तरीका सीखने वाले हैं दोस्तों, जिससे भिन्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपके बाएं हाथ का खेल और चुटकियों में लगाएंगे आप आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास की। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरोही क्या होता है। आरोही का मतलब दोस्तों होता है, आरोही को समझिए आप, आरोही को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में लोग बोलते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं दोस्त? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है दोस्त? बढ़ते क्रम में। बिल्कुल ठेठ हिंदी में समझे तो बढ़ते क्रम में मतलब छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। मतलब इस तरह से दोस्त, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। जैसे कि सुबह में प्रार्थना के टाइम में बच्चे लाइन में खड़े होते हैं कि सबसे पहले छोटा बच्चा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। सेम वही काम यहाँ पे है दोस्त। ये होता है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में। उसी प्रकार अगर अवरोही का मतलब आप समझ लो प्यारे, तो अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं प्यारे? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब होता है घटते क्रम में। कहने का मतलब सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब इस प्रकार से प्यारे, घटते क्रम में। इसको क्या कहते हैं? घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में बात करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमें किसी भी भिन्न को, चाहे कोई भी नंबर दिया होगा, चाहे कोई भी वस्तु हमको दी गई होगी, अगर हमें आरोही क्रम में या इस ऑर्डर में कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो हम सबसे पहले छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। लेकिन अगर हमसे कह देगा कि अवरोही क्रम में लगाओ, तो हम सबसे पहले सबसे बड़े को पकड़ेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटे को पकड़ेंगे प्यारे। ये बात अब क्लियर हो गई तो सीधे आते हैं। चार क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, चारों का जवाब बिल्कुल चुटकी में देते हैं दोस्तों। दो दो सेकंड लगेंगे, भले समझने में आपको जितनी देरी लग जाए, लेकिन जवाब देने में दो से तीन या चार सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दोस्तों लगेंगे। आइए जरा देखते हैं इन सवालों को लगा के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4/15 है, इसके बाद कॉमा है 7/18 है, इसके बाद कॉमा है 12/13 है। मैंने प्यारे इसके पहले जो वीडियो पढ़ाई थी आप देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें बताया था कि अगर अंश बराबर हो तो नियम लगता है, और हर बराबर हो तो नियम लगता है, नहीं बराबर हो तो लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन आज हम क्रॉस वाला भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्रॉस वाला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उससे भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हैं, लेकिन आज तो बहुत अलग नियम सिखाने वाले हैं दोस्त, आप समझना थोड़ा सा। अगर ऐसा कुछ आपको दे दिया गया इसे असेंडिंग ऑर्डर, मान लो हम असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं, असेंडिंग का मतलब अभी आप समझे हो क्या? बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे प्यारे, आरोही क्रम में। मतलब ये डिसाइड कर लिया हमने कि सबसे छोटा हमको ढूंढना है, तो हमको करना क्या है प्यारे? अंश और हर का अंतर करना, अंश और हर का अंतर करना। ध्यान देना, अंश हमेशा छोटा रहेगा, हर हमेशा बड़ा रहेगा। अंतर कर लेंगे, अंतर देखना प्यारे, यहां पे आ रहा है 11 का, यहां पर भी अंतर आ रहा है 11 का, और यहां पर अंतर, यहां पे सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया, यहां पे 23 लिखा हुआ है प्यारे, और यहां पर अंतर आ रहा है 11 का। अगर सब में अंतर बराबर रहेगा, ध्यान से बात से ना, आंसर आ गया आपका, अंतर बराबर, अंतर करने में जितने टाइम लग जाए, अगर अंतर बराबर है प्यारे, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो देखें सबसे छोटा 4 है, इसका मतलब यही सबसे छोटा होगा 4/15, इसके बाद 7 है तो 7/18, और इसके बाद 12/23। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ही था पहले से दोस्तों। अगर डिसेंडिंग में लिखना होता तो क्या करते, अगर आरोही में लिखना होता तो क्या करते, सॉरी अवरोही में लिखना होता प्यारे, अगर अवरोही में लिखना होता तो क्या करते, अवरोही क्रम, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा पकड़ते मतलब 12/13, फिर क्या पकड़ते 7/18, फिर क्या पकड़ते 4/15। ये कब हो पाएगा प्यारे? जब अंश और हर का अंतर समान होगा। पहला नियम, अंश और हर का अंतर समान होगा, और प्रत्येक कंडीशन में आपका क्या होगा, अंश छोटा हर बड़ा होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे, आप दूसरे क्वेश्चन को देख पाएंगे प्यारे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 11/14 है, 14 है, फिर कह रहा है 7/11 है, 11 है, फिर क्या कह रहा है 15/21 है, 21। मैंने अभी बताया आप अंतर करेंगे, अंतर करेंगे प्यारे, तो यहाँ पे कितने का अंतर पा रहे हैं आप? 3 का अंतर पा रहे हैं, 11, 3, 14। यहाँ पे 4 का अंतर पा रहे हैं, 7, 4, 11। यहाँ पे 6 का अंतर पा रहे हैं ना,
यहाँ पे 6 में अंतर है, 15 6 21। अब आपको 3 4 6 का क्या लेना है, लॉसा लेना। मैं समझ रहा हूँ अधिकांश दोस्त लॉसा को जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो नेक्स्ट चैप्टर लॉसा मौसा का ही है, जब पढ़ाएंगे तो हम सिखा देंगे। तो लॉसा अगर निकालना जो लोग जानते हैं वो तुरंत लॉसा निकालेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। लॉसा निकालना हम बताएंगे दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, 12 लॉसा आ गया। अब क्या करना है यही पे ध्यान देना, अंतर करना है, अंतर का लॉसा ले लिया और लॉसा मुझबानी निकालना बताएंगे, तो मुझबानी लॉसा आ गया। अब इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग कितना बार गया, 4 बार। देखिए 12 से 3 में भाग देंगे कितना बार, 4 बार। फिर 12 में 4 से भाग देंगे कितना बार, 3 बार। फिर 12 में 6 से भाग देंगे कितना बार, 2 बार। प्रत्येक से भाग दे लिया, 3 से इसमें, 4 से इसमें, जो भाग फल आया है इस भाग फल का अंश में गुणा कर दो, 11 चौक 44, ऊपर नीचे का छोड़ो, यहाँ पे करो 7 के 21, यहाँ पे करो 15 गुना के 30। अब इसमें जो बड़ा होगा प्यारे वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। फिर से बात को, पहला काम अंतर, फिर उनका लॉस, फिर जो अंतर है अंतर से लॉस में भाग दीजिएगा, जो भाग फल आएगा उसका अंश में गुणा कर दीजिएगा, हर को नेग्लेक्ट करिएगा। अब 44 21 30, 44 21 30 में सबसे अगर आरोही क्रम लिखना चाहते हैं, देखिए आरोही क्रम तो क्या कहते हैं, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, 21। किसका मान है, 7/11 का, तो 7/11 आपने पुट कर लिया। इसके बाद देखेंगे 30 है तो 30 किसका है, 15/21, क्योंकि आरोही लिखना है तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। फिर लास्ट में बच गया आपका का 11/14 जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे समझ से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले उसको भी देखें, 5/ लिखा है 13, इसके बाद है 53/ लिखा है 57, और यहाँ पे लिखा है 5/7। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अंतर करिए। फिर मैंने बोला कि आपसे अंतर करेंगे आप, तो 5 और 13 का अंतर 8, यहाँ पे कर लेंगे 53 और 57 का 4, और यहाँ पे कर लेंगे 2। अब आपको क्या करना है, 8 4 2 का क्या लेना है प्यारे, लॉसा लेना है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉसा लेने में आपको लॉसा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बताऊंगा मुझबारी लॉसा बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखना है यहाँ पे 8। अब आपको क्या करना है, भाग देना है, तो 8 में 8 से भाग देंगे, सिंपल सी बात है, 1 8 में 4 से भाग देंगे तो ये भी सिंपल सी बात है कि 2, और 8 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। बिल्कुल आपने भागफल आ गया। अब अंश का गुणा कर लेना है, 5 का गुणा 1 में करेंगे प्यारे, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 53 का गुणा 2 में करेंगे, 2 3 6 2 5 10, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 6 20। समझ पा रहे हैं आप, आपको अंश का गुणा भागफल में करना है, अंश का गुणा भागफल में करना, अंश का गुणा भागफल में करना। ये आ गया आपको किस क्रम में लिखना है, मान लीजिए अवरोही क्रम में लिखना हो तो अवरोही का मतलब क्या समझे प्यारे, सबसे बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, सबसे बड़ा 106 किसका, 53/57, इसके बाद 20 कौन, 5/7, इसके बाद 5/13 आ जाएगा सबसे छोटा। ये रहा आपका आंसर, ये तो हमारा तरीका है पता करने का, आंसर ये है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और ये लास्ट क्वेश्चन जो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आपको होमवर्क में देता हूं और देखता हूं कितने दोस्त इस वीडियो को पूरा देखे हैं और फायदा मिला तो इसका आंसर कितने लोग सही सही दे पा रहे हैं, उसी समय अनुमान लगाऊंगा कि आप कितना वीडियो देख रहे हैं। और आपका वीडियो देखना, दोस्तों तक शेयर करना ही मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है प्यारे। तो आप जरूर देखिए, अधिक से अधिक फायदा उठाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं अगली वीडियो को और अच्छे से और कुछ नए तरीके आपको दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत गर्मी आज भी है, जय हिंद।